जिला बाल कल्याण परिषद रेवाड़ी में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज लोंजा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा बाल गृह में निर्मित बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण किया गया। साथ ही कंपनी की टीम के समस्त पदाधिकारी, विशिष्ट अतिथिगण भी उपस्थित रहे। वीरेंद्र यादव, जिला बाल कल्याण अधिकारी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि बाल गृह के बच्चों के लिए रिक्रिएशनल एक्टिविटीज एवं कंप्यूटर तथा अन्य गतिविधियों की बहुत आवश्यकता थी। इसी को देखते हुए लोंजा इंडिया कंपनी ने CSR बजट के तहत ये कार्य पूरा करवाया और भविष्य में भी बच्चों की मदद करने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने आगे बताया कि बच्चों के मानसिक विकास के लिए बाल गृह में ग्रीष्मकालीन शिविर का भी शुभारंभ किया गया, जिसमें बच्चों को नृत्य, संगीत एवं ड्राइंग पेंटिंग का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। देखती हूँ APAC रीजन के लिए, हमारी जो कंपनी है वो स्विट्जरलैंड कंपनी है, फार्मा सेक्टर में है, हेल्थ केयर हो, दवाइयाँ बनाना। हम यहाँ पे धाड़ुवेड़ा में हमारा प्लांट है जहाँ हम बाहर का कैप्सूल बनाते हैं। तो हमारा सस्टेनेबिलिटी टारगेट्स होता है, जहाँ पे हम, जो हमारी कम्युनिटी है, जहाँ पे हमारी कंपनी काम कर रही है, वहाँ पे हम मदद कर पाए। जैसे कि हमने यहाँ पे पिछले साल भी काम किया था, यहाँ पे रूम बनवाई है हमने। 2 साल पहले बॉम्बे में एक स्कूल थी, वहाँ पे कंप्यूटर लैब बना दी है पूरी, वहाँ पे भी बहुत अच्छी तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं। तो जिस लोकेलिटी या जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं, जिस विभाग में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आसपास के लोगों को हम कुछ कम्युनिटी सर्विस कर पाए, वो हमारा हमेशा उद्देश्य रहता है और हम इसको करते रहेंगे। आपसे भी एक बड़ा सवाल, ये जो बच्चे छोटे, आपने भी देखा कि किस प्रकार की प्रतिभा, लेकिन एक बड़ा मंच नहीं मिल पाता क्योंकि वो पीछे सपोर्ट नहीं होता, सरकार का नहीं होता, समाज का नहीं होता। तो ये बड़े मंच तक पहुँचे, क्या प्रयास किया जा सकता है इस? तो इसमें हम ये बोलेंगे कि जो हमारा जो प्लांट है यहाँ पे अगर कुछ बच्चे आगे करना चाहते हैं तो वो आके हम उनको देख सकते हैं, उनको सपोर्ट दे सकते हैं। अगर वहाँ पे है, जैसे कि हम अभी 6 महीने पहले हम देख रहे थे जिन्होंने ITI कोर्स किया है, बट पैंडेमिक की वजह से पिछले 2 सालों में बच्चे पढ़े ही नहीं है, तो हम लेना चाह रहे थे और हमारे बच्चे नहीं मिल रहे थे हमें। तो यहाँ पे अगर किसी की रुचि है उसमें, हेल्थ केयर डोमेन में आना है, तो वहाँ पे हम सपोर्ट कर सकते हैं। किसी को कुछ गाइडेंस चाहिए होगा कि कौन सी पढ़ाई करनी है, बिकॉज ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है, वहाँ पे हमारे जो सीनियर लोग हैं वो भी उनको कंसल्टिंग या कोचिंग दे सकते हैं। नहीं लगता कि ये बच्चे बड़े स्क्रीन का बड़ा स्टार बन सकते हैं आने वाले समय के? डेफिनेटली, जहाँ पे ये बच्चे ने जो डांस किया वो बहुत ही अच्छा था, वहाँ पे अगर रुचि हो तो वो डेवलप कर सकते हैं। तो हमारे पर्सनल टाइम में भी हम लोगों को दिशा दिखा सकते हैं, आई थिंक वही मेन होता है, राइट, कि लोगों को कोचिंग दे पाए, दिशा दे पाए। तो उसके लिए हमारे जो सीनियर लोग हैं वो हम उनको कोचिंग देने की कोशिश करेंगे। जो हमारे पास जो काम है वो काम हम उन्हें दिखा सकते हैं, उनको उसमें मौका मिल सकता है। बस आई थिंक बहुत ठीक से उन्हें पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, पढ़ाई के बिना आगे कुछ हो नहीं सकता। तो सरों को हमारा यही मैसेज होगा कि जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें आप मेहनत तो करनी पड़ेगी, हर चीज़ में मेहनत करके आगे बढ़े, जहाँ पे सपोर्ट चाहिए वहाँ पे हम हमेशा रहे। आप जिस तरह से मदद कर रहे हैं, बाकी लोगों को भी आगे आना चाहिए, ऐसे बच्चों के लिए डेफिनेटली आना चाहिए। आई थिंक जो सारे कॉर्पोरेट सेक्टर में जो लोग हैं, जहाँ पे आई थिंक हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक जो क्लॉज बनाया है कि जहाँ पे जो X% ऑफ आपके प्रॉफिट CSR में जाते हैं, वो बहुत ही अच्छा है। ऐसे सारों को आगे आके कुछ ना कुछ, हमारी जो पूरी सोसाइटी है वहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो हम ये कि आइए, थोड़ा बहुत हो, एक कमरा ही होना, पर वो बहुत बड़ी मदद कर देता है। आज का कार्यक्रम था क्या है पूरा कार्यक्रम? जिला बाल कल्याण अधिकारी वीरेंद्र यादव, आज हम बाल गृह में आस्था कुंज यहाँ पर ग्रीष्मकालीन शिविर का शुभारंभ कर रहे हैं, और साथ ही लोंजा ग्रुप ने यहाँ पर एक बच्चों के लिए मल्टीपर्पज़ हॉल बनाया है और एक कोचिंग रूम बनाया है। तो उसका हमारे जो डिप्टी जनरल मैनेजर है लोंजा ग्रुप के, उन्होंने उसका उद्घाटन किया है और बच्चों की परफॉर्मेंस देखी है। पिछले साल भी लोंजा ग्रुप ने कोरोना के दौरान नीचे जो रिसेप्शन रूम है वो बनाया था और ओल्ड एज होम की जो रेनोवेशन थी वो की थी। तो इन्होंने काफ़ी सहयोग करते आ रहे हैं और अब भी आगे सहयोग करते रहेंगे। सर, अभी कितने बच्चे हैं यहाँ पर, क्या कुछ रिक्वायरमेंट और भी बाकी है? हमारे पास अभी 26 बच्चे तो आस्था कुंज में हैं और 4 बच्चे हमारे अडॉप्शन एजेंसी में हैं, जो कि बच्चे इन्फेंट हैं, और उनके लिए व्यवस्था अच्छी की हुई है। अभी यहाँ पर ख़ास तौर से एक ब्लॉक बनना बाकी है जो एक बच्चों के लिए इनडोर गेम के लिए बनेगा, और जो मैस है वो भी बनना है, वो भी हमने एस्टिमेट लिया हुआ है, वो PWD से हम करवा रहे हैं। तो आगामी 3-4 महीने के अंदर जो भी आस्था कुंज की रेनोवेशन से संबंधित जो भी कार्य हैं वो सभी पूर्ण हो जाएंगे। सर, ग्रीष्मकालीन की बात करें तो क्या कुछ प्लानिंग की गई है?
इसमें हमने इन बच्चों की रुचिकर के अनुसार, जो इनकी रुचि है, हॉबी है, उसके अनुसार हमने तीन तरह की यहाँ पर कक्षाएं आरंभ की जा रही हैं। एक तो डांस की, एक आर्ट एंड क्राफ्ट की और एक म्यूजिक की, और ये तीनों कक्षाएं एक महीना चलेंगे। दोबारा बोलें सर, आज का पूरा कार्यक्रम के बारे में। नहीं, पहले तो मैं ये यादव साहब को धन्यवाद करना चाहूँगा, जो ये काम हो रहा है रेवाड़ी में, ये बहुत ही ज़्यादा सराहनीय काम है। और हम लोंजा एक स्विस ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है, बट ग्लोबली जो हमारा एक चेष्टा रहती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत, जितना भी हम ग्लोबली सस्टेनेबिलिटी और एक सेक्टर में जितनी भी हम हेल्प कर सकते हैं वो करते हैं। तो स्कूल के साथ हम एसोसिएट हुए थे लगभग 2 वर्ष पहले से, जब हमें यादव साहब ने बोला था कि उन्हें कोई कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ हेल्प की ज़रूरत है, तो ये हमने जो साथ वाला विंग है उसमें सहयोग किया था। और दोबारा हमारे पास में कुछ इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई बच्चों के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, राइट, तो उसके लिए, उसके चलते बेसिकली हमने ये रिक्रिएशन रूम में जो बना है इसमें हमने जो भी हमसे सहयोग हो सका है वो किया है। इसके अलावा बेसिकली लोंजा पहले भी हम काफ़ी इन विषयों पे काम कर चुके हैं, जैसे बॉम्बे में एक और स्कूल को हमने पूरा रेनोवेट किया था। अब सिंस चूँकि हमारा प्लांट यहाँ पे है, हमने ये रिक्वेस्ट है यादव साहब के पास से, तो इसलिए बेसिकली हमसे जितना हो सका है हमने यहाँ पे किया। सर, दबी हुई खुजली हुई प्रतिभाएं जिनको बड़ा मंच नहीं मिलता, जैसे कि अभी हमने देखा छोटे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, यदि आप चाहें, समाज चाहे, तो इन्हें एक अच्छा मंच मिल सकता है, ये भी उनके साथ जो है मुकाबला कर सकते हैं बड़े। नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं, और जैसा कि मैंने सब बच्चों के लिए भी ये कहा था कि जिसमें जो प्रतिभा है उसमें वो 100% अपना योगदान करे, और ये हम सभी के लिए एक बहुत गर्व की बात रहेगी। आप ये देखें कि हम तो फिर मतलब साल में एक या दो बार यहाँ पे आते हैं, अब ये जो हमारे यहाँ पे जितने टीचर्स हैं, आप लोग हैं यहाँ पे, आप सारा टाइम इन बच्चों के साथ बिताते हैं, और इन में से कोई बच्चा भी एक्सेल करता है तो हमें कितनी खुशी होगी। आपकी तरफ से क्या प्रयास रहेगी? हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा, जैसा कि मैंने अभी यादव साहब को भी बोला है कि जो भी बच्चे आप हमारे प्लांट में लेके आए, हमारा प्लांट यहाँ से करीबन 20 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे लेके आए, हम इन्हें दिखाएंगे कि कैसे एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, एक इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में कैसे काम होता है, उसके बाद ये देखना चाहें कि कोई किसी में प्रतिभा है, कोई पॉलिटेक्निक से क्वालिफाइड है, हम उसे देखेंगे हम उसे कैसे इंटर्न देते हैं, उसकी कैसे हम स्किल एनहेंस करते हैं, प्रैक्टिकली पूरा हम सहयोग करेंगे, बिल्कुल, मतलब इनको हमें स्किल रेडी करना है, राइट, ताकि ये जैसे ही इनमें वो एक क्षमता हो, एक एज अटेन करें, इनको इनके अंदर इतनी क्षमता रहे कि इनको तुरंत एक दे शुड बी जॉब रेडी।